इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ फ्रेंड्स कि आप दोस्तों वन प्लस नॉर्ड सी i3 लाइट 5G के मोबाइल फ़ोन में डेटा रोमिंग कैसे ऑन कर सकते हैं और इसका क्या यूज होता है। तो ये जानने के लिए आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देख लीजिएगा और चैनल पे नए हैं चैनल सब्सक्राइब करिएगा और पास वाले नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑल के ऑप्शन पर जरूर क्लिक करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए आपको जाना है अपने सैमसंग गलेक्सी इसके लिए आपको जाना है अपने वन प्लस नॉर्ड सी i3 लाइट 5G मोबाइल फ़ोन के सेटिंग में। सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पर आपको आना है नीचे। नीचे आने पर आपको यहाँ एक ऑप्शन मिल जाएगा मोबाइल नेटवर्क का, इस पर क्लिक करना है। अगर आपके फ़ोन में दो सिम कार्ड लगा है तो आप जिस सिम कार्ड में डेटा रोमिंग ऑन करना चाहते हैं उस सिम कार्ड पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो इसमें देखिए आपको डेटा रोमिंग का ऑप्शन मिल जाएगा। अब दोस्तों देखिए डेटा रोमिंग ऑन करने के लिए आपको यहाँ डेटा रोमिंग के साइड में यहाँ पर क्लिक कर देना है, टर्न ऑन पर क्लिक कर देना है, डेटा रोमिंग ऑन हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों डेटा रोमिंग कहाँ ऑन किया जाता है और क्यों किया जाता है। तो दोस्तों आपका सिम कार्ड जिस स्टेट का है तो अगर आप उस स्टेट में सिम कार्ड को यूज करेंगे तो दोस्तों आपको जो है उस स्टेट में सिम कार्ड से सही इंटरनेट स्पीड यूज करने के लिए आपको जो है डेटा रोमिंग ऑन दोस्तों नहीं करना पड़ता है। लेकिन दोस्तों आपका सिम कार्ड जिस स्टेट का है तो अगर आप उस स्टेट से किसी दूसरे स्टेट में जाएंगे, जैसे मान लीजिए अगर आपका सिम दिल्ली का है और दिल्ली से आप जा रहे हैं दोस्तों कर्नाटका, तो आपको कर्नाटका में आपको अपने सिम कार्ड से सही इंटरनेट स्पीड यूज करने के लिए या सही नेटवर्क यूज करने के लिए आपको जो है आपको अपने सिम कार्ड में डेटा रोमिंग ऑन करना होगा। तो जब भी आप दोस्तों किसी अदर स्टेट में जाएंगे तो वहां पर जो है आपको अपने सिम कार्ड में डेटा रोमिंग ऑन करना होगा। इस तरीके से दोस्तों डेटा रोमिंग ऑन कर सकते हैं वन प्लस नॉर्ड सी i3 लाइट 5G के मोबाइल में। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब करिएगा।